हमारे स्टेज के ऊपर मौजूद है हाफिज हाफिज़ कारी जनाब कामिल रहमानी साहब। मैं बगैर किसी तमहीद के हुजूर वाला से ज़हमत कलाम दे रहा हूँ कि आप तशरीफ लाए अपना नाते कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दाइस पर तशरीफ फरमा शोराए किराम जनाब नूरुद्दीन नूरी बहराइची साहब, आपके दरमियान हकीकत में बहराइच से तशरीफ लेके आए हैं और आपके लिए वो आपके दरमियान वो मेहमान हैं, आपको मेज़बानी का हक अदा करना है। और आप ही के इलाके के जनाब बेताब लखनवी साहब खुशगुलू शायर हैं, अच्छे शायर हैं, खुशफिक्र शायर हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। अभी आपको उनको भी समाअत फरमाना है। अज़ीज़म अब्दुल हक सल्लल्लाहु ने अपना कलाम पेश किया, बहुत मेयारी कलाम पेश किया। अगर यकीन जानिए शोराए किराम का मजमा होता तो इस वक्त मजमा झूम रहा होता। और इस महफिल के रूह रवा हज़रत मौलाना मामूर कासमी साहब भी तशरीफ़ फरमा है। मतलब तो खिदमत करता हूँ, मुलाजा फरमाए। मिसाल है अजमत रसूल की। सुभान अल्लाह। थोड़ा आवाज बढ़ा सकता हूं तो बढ़ा दे दे। वल्लाह बे मिसाल है अजमत रसूल की। वल्लाह बे मिसाल अज़मत रसूल की, कैसे बयां करूं मैं फजीलत माशाल्लाह। कैसे बयां करूं फजीलत रसूल की। वल्लाह बे मिसाल है अजमत रसूल की, हर हर अमल पे चाहिए इस बात का लिहाज। आज का जलसा और ये पैगाम लिहाजा फरमाए। हर हर अमल पे चाहिए इस बात का लिहाज, हर हर अमल पे चाहिए इस बात का लिहाज। छुटने न पाए कोई भी सुन्नत रसूल की, छुटने न पाए कोई भी सुन्नत रसूल की, कैसे बयां करूं मैं फजीलत रसूल की। अब बताओ ये खास शोरा किराम के हवाले से मुलाजा फरमाए। इरशाद अली जलवे तो ला मका के हैं देखे हुजूर ने, जलवे तो ला मका के हैं देखे हुजूर ने, जलवे तो ला मका के हैं देखे
बताएंगे अजमत माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह जिब्रील क्या बताएंगे अजमत हुजूर की कैसे बयां करूं मैं फजीलत हुजूर की। उमर कबत के हवाले से मैं इशारे आली आए उमर थे अज़मत हुज़ूर